सब्सक्राइब कीजिए होम शेफ चैनल को मजेदार रेसिपी पाने के लिए। आज हम बना रहे कटहल की घाड़ी। कटहल की घाड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए कटहल के गुदे बीच निकाले हुए आधा किलो, गेहूं का आटा छना हुआ एक किलो, गुड़ बारीक कटा 600 ग्राम, पानी 2 गिलास यानी 500 मिली, 1 टीस्पून नमक, इलायची पाउडर आधी टी स्पून, तलने के लिए तेल जरूरत के अनुसार। हमने ये कटहल के गुदे के बीज निकाले हैं और बाहर से भी अच्छी तरह साफ करके लिए है, देख लीजिए इसी तरह कटहल के गुदे होना चाहिए। सबसे पहले अब हम कटहल के गुदे को मिक्सर की जार में डालेंगे, उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। ये कटहल के गुदे पीस कर हो गए। पीसे हुए कटहल के गुदे हम स्टील की छन्नी में डालेंगे। पीसे हुए कटहल के गुदे को चम्मच से हिला के छान लेंगे। मिक्सर की जार में 1 गिलास पानी डालकर थोड़ा थोड़ा करके छन्नी में डालेंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। टोटल हम 2 गिलास पानी लिए है, 1 गिलास पीसने के लिए और थोड़ा थोड़ा करके 1 गिलास डाले। 2 गिलास यानी 500 मिली पानी होता है। देखो ये पूरी तरह छान कर हो गया। ऊपर बचा हुआ कचरा हम फेंक देंगे। ये अच्छे से कटहल के गुदे का जूस बन गया है। अब हम इसमें गुड़ मिलाएंगे। चम्मच से गुड़ को कटहल के गुदे के जूस में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे मीडियम आंच पर पकाएंगे और पकने तक थोड़ी थोड़ी देर से हिलाते रहेंगे ताकि हमारा गुड़ नीचे जल न जाए। उसे उबाल आने तक पकाएंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा उबाल आना शुरू हुआ है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। उबाल आने के बाद भी थोड़ी देर पकाएंगे। एक कटहल के गुदे की चाशनी अच्छी तरह पककर तैयार हो गई। गुड़ भी पूरी तरह पिघल गया। अब हम एक थाले में आटा लेंगे और यह चाशनी आटे में मिक्स करेंगे। पूरी तरह मिक्स करके ठंडा होने रखेंगे। इतना ठंडा करेंगे कि हम हाथ में ले सकते हैं। ये ठंडा हो गया। अब हम बिना पानी से यह आटा गूंद लेंगे। यह आटा गूंदकर अच्छे से तैयार हो गया। अब हम 1 घंटे के लिए बर्तन में ढककर रखेंगे। एक घंटा हो चुका। अब हम आटे को हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा गूंद लेंगे और देखो इसी तरह आटे को नरम करेंगे। इतना गूंदेंगे कि हमारे रोटी के आटे से नरम होना चाहिए। ये आटा गूंदकर तैयार हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे पेरे बनाएंगे। चकले पर पॉलिथीन सीट रखेंगे, हाथ को पानी लेंगे और पेरे को प्रेस करेंगे। हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी घारी मोटी रखेंगे। इसी तरह घारी तैयार करेंगे।
अब हम तेल गरम करेंगे और मीडियम आंच पर गाढ़ी लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। घारी को अब पलटी करके फ्राई करेंगे। ये देखो मजेदार सी घारी फूल रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी बन रही है, जरूर ट्राई कीजिए। ये घारी तल के हो गई, अब हम इसे छन्नी में निकालेंगे। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।